Dear students, today we will discuss new topic, that is reproduction in plant. Dear students, इस chapter में हम लोग बात करेंगे plant के reproduction की, और इसमें हम लोग देखेंगे कि plant में reproduction कैसे होता है, क्या क्या important होते हैं plant के लिए reproduction में, ठीक है, उसके यहाँ पे बातें करेंगे. So now we'll start reproduction plant topic. First of all, we discuss plant embryology. ठीक है ना, किसकी बात करेंगे? प्लांट एम्ब्रायोलॉजी की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग प्लांट एम्ब्रायोलॉजी की बात करेंगे. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट का एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, उसकी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे. तो सो नाउ विल स्टार्ट प्लांट एम्ब्रायोलॉजी. ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है ना, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है. ठीक है ना, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो. ठीक, आइए देखते हैं. स्टडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो. स्टडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन. स्पोरोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन स्पोरोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर. एंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं हम लोग. प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, तो आप यहाँ पे क्लियर करेंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. स्टडी ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेट इज प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. ठीक है ना, फिर हम आगे बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है ना, कौन है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, कौन है, आइए देखते हैं. फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है ना, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, सो डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी महेश्वरी. ठीक है ना, कौन है? महेश्वरी. महेश्वरी कौन है? महेश्वरी जी. कौन है? महेश्वरी जी. फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? महेश्वरी जी हैं. ठीक है ना, सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं. तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है? माहेश्वरी जी को कहा जाता है. ठीक है ना, माहेश्वरी जी को कहा जाता है. देन हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की. किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसे होता है. ठीक है ना, एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो हम लोग यहाँ पे जब एंथर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे जो होता है बाई स्पोरिक इन नेचर का होता है. यह कैसा होता है? बाई स्पोरिक इन नेचर का होता है, यानी कि बाई मतलब टू स्पोर होंगे एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट. ठीक है ना, एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट.
एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन को होगा, जिसमें टेट्रा मतलब फोर, फोर पोलन सैक्स होंगे, जिसमें क्या होंगे, फोर पोलन सैक होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, फोर पोलन सैक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करते हैं एंथर वाल की। किसकी बात करते हैं, एंथर वाल की बात करते हैं। आइए देखते हैं एंथर वाल की, किसकी बात करते हैं, एंथर वाल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एंथर वाल की बात करते हैं, वाल मतलब दीवार, यानी कि इसकी दीवार किस किस चीजों से मिलकर बनी है, एंथर की दीवार किस किस चीजों से मिलकर बनी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो है ये एपिडर्मिस, इसमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एपिडर्मिस पाया जाएगा, ठीक है ना। एपिडर्मिस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यह इसके लिए एंथर के लिए प्रोटेक्टिव का काम करती है, ठीक है ना। किस चीज का काम करेगी, प्रोटेक्टिव के लिए काम करेगी इसके लिए, ठीक है। देन इसमें क्या पाया जाएगा, एंडोथीसियम पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एंडोथीसियम इसमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एंडोथीसियम पाया जाएगा, जो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव भी होगा, साथ साथ इसका जो इसमें फाइब्रस पाए जाएंगे, थिक फाइब्रस पाए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं फाइब्रस थिकिंग प्रेजेंट, थिकिंग फाइब्रस प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है ना, जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर के होंगे, जो कि कैसे होंगे, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो इसमें इंडोथीसियम जो होती है, फाइब्रस थिक होता है, इसमें प्रेजेंट होता है फाइब्रस थिक, जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर की होती है। देन हम बात करेंगे इसमें मिडिल लेयर, ठीक है ना, बीच वाली लेयर इसकी कैसी होती है, मिडिल लेयर की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसके मिडिल लेयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिडिल लेयर होती है, हेल्प इन डिहिसेंस, डिहिसेंस में मदद करती है, तो आप कह सकते हैं हेल्प इन डिहिसेंस, ठीक है ना, किस में मदद करेगी, डिहिसेंस में इसको मदद करेगी। देन हम आगे बात करते हैं टपेटम की बात करते हैं, सबसे इंटरनल लेयर जो होती है इसकी टपेटम होती है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं टपेटम की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो टपेटम पाया जाता है, टपेटम जो इसमें पाया जाता है, सबसे जो इंटरनल लेयर होती है टपेटम, इसको हम लोग कहते हैं। तो टपेटम जो होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, आप माइक्रोस्कोप स्पोर मदर सेल को, आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को, तो आप कह सकते हैं प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, ये क्या करता है, एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, क्या करवाता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करवाता है, एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है ना, और टपेटम और क्या करवाता है, एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, और क्या करवाता है, फॉर्म यूबिस ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, कहाँ से करवाता है, फ्रॉम यूबिस, फ्रॉम यूबिस, यूबिस ग्रेन्यूल्स, फ्रॉम यूबिस ग्रेन्यूल्स, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, डेट इज कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, आप कह सकते हैं डेट इज कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम, ये क्या है, डेट इज कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे क्या पाया जाता है, पॉलन किट पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, जो कि
फॉर्मेशन इन इंटमोफिलस, पॉलन किट फॉर्मेशन इन इंटमोफिलस, ठीक, पॉलन किट इसमें पाया जाता है, फॉर्मेशन इन एंटमोफिलस, फॉर्मेशन इन एंटमोफिलस, ठीक है ना, फ्लावर एंटमोफिलस कहाँ पे, फ्लावर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलन किट फॉर्मेशन इन एंटमोफिलस फ्लावर, एंटमोफिलस फ्लावर में पॉलन किट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमने यहाँ पे बात किया टपेटम की, हमने यहाँ पे टपेटम की बात किया, तो प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम यूबिस ग्रेन्यूल्स, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, पॉलन किट फॉर्मेशन इन एंटमोफिलस फ्लावर। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेट इस, जैसे मान लीजिए पीएमसी, डेट इज पीएमसी, ये क्या है, ये पीएमसी है, पीएमसी मीन, पीएमसी मीन्स पॉलन मदर सेल, ठीक है ना, पीएमसी मीन्स पॉलन मदर सेल, डेट इज पॉलन मदर सेल्स, क्या है, पॉलन मदर सेल्स है जो कि 2n होंगी, जो कि कैसी होंगी, 2n होंगी, डेट इज पॉलन मदर सेल जो कि किस फॉर्म में 2n होंगी नेचर की। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस हो जाएगा, इसकी जब मियोसिस हो जाएगा तो टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेंगी, किसका फॉर्मेशन करेंगे, टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेंगी, डेट इज टेट्राड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड, डेट इज टेट्राड, डेट इज टेट्राड, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। फिर उसके बाद टेट्राड जो होता है क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे, यही टेट्राड जो है क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन्स बना लेगा, ठीक है। जब ये पॉलन ग्रेन्स बनाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा पॉलन ग्रेन का, इस टाइप का होगा, पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा डियर स्टूडेंट वो इस टाइप का होगा, ठीक है ना, इस टाइप का होगा। इसमें क्या होगा, ये पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज, ये जो बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाइम, क्या बोलते हैं, एग्जाइम बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाले स्ट्रक्चर को इंटाइम बोलते हैं, यानी कि जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है डेट इज एग्जाइम, अंदर वाला इंटाइम, और उसके बाद जेनरेटिव सेल इसमें होंगे, न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर लीजिए कि पीएमसी पॉलन मदर सेल्स, इसमें मियोसिस होगा इसका तो टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, देन इसमें जो डिवीजन होगा तो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, इसमें एग्जाइनस आउटर होगा, इन टाइम अंदर क्लियर होगी, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, इसमें हम लोग देखते हैं आइए कि लेयर ऑफ वॉल इन पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, लेयर ऑफ वॉल ऑफ
पॉलन ग्रेन्स की जब आप लेयर देखते हो तो अभी हमने देखा इसमें टू लेयर पाई जाती है, एक एग्जाइम होती है एक इंटाइम होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाइम होती है यहाँ पे मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना, किससे बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन से बनी होगी, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन से बनी होगी। जो कैसी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होती हैं, आप कह सकते हैं डेट इज मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। सो प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, सो प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, फॉसिल्स, सो प्रिजर्व एज फॉसिल्स, ठीक है ना, इसीलिए इसको किसके लिए प्रिजर्व किया जाता है, फॉसिल्स के लिए प्रिजर्व किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इंटाइम की बात करते हैं, मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, ये जो होता है मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, एक किसका बना होता है, मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, कौन, एंटाइम, मेड ऑफ पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे पोलन किट होती है सीक्रेटेड बाय टपेटम, यहाँ पे जो पोलन किट होती है वो सीक्रेटेड बाय टपेटम, किससे सीक्रेशन होता है इसका, टपेटम से सीक्रेशन होता है, यानी पोलन किट का सीक्रेशन किससे होता है, सीक्रेटेड बाय टपेटम, इज फाउंड इन एंटमोफिलस फ्लावर, कहाँ पाई जाती है, इज found in entomophilus flower, is found in entomophilus flower में पाई जाएंगी, ठीक है ना, कहाँ पे पाई जाएंगी, entomophilus flower में पाई जाएंगी। देन डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे कि जर्म और इट्स फॉर्मेट वेर इजाइन इज एबसेंट, ठीक है, जर्म पोर इज फॉर्मेड वेयर, वेयर जर्म पोर इज फॉर्मेड वेयर एग्जाइन इज एबसेंट, वेयर एग्जाइन इज एबसेंट, ठीक है ना, जर्म पोर इज फॉर्मेड वेयर एग्जाइन इज एबसेंट, जर्म पोर इज फॉर्मेड वेयर एग्जाइन इज एबसेंट। देन डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, तो पॉलन किट सीक्रेटेड बाय टपेटम इज फाउंड इन एंटमोफिलस फ्लावर, जर्म पोर इज फॉर्मेड वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं, देखते हैं कि आइए हम बात करते हैं, ठीक है, डेट इज अ सेल्फ असेल, ठीक है ना, क्या है, सेल्स है, इसका न्यूक्लियस है, इसका जब डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेयोसिस डिवीजन होगा, क्या बनाएगा, इस टाइप को बना लेंगे, इस टाइप का बना लेंगे। देन इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक को बोलते हैं जेनरेटिव सेल, एक को बोलते हैं ट्यूब या वेजिटेटिव सेल्स, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एक को बोलते हैं हम लोग जेनरेटिव सेल, एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, आप इसको ट्यूब बोल सकते हैं, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब जेनरेटिव सेल ट्यूब, ठीक है, डेट इज जेनरेटिव सेल, डेट इज ट्यूब या वेजिटेटिव सेल, फॉर्म मेल गैमेट, फॉर्म मेल गैमेट, मेल गैमेट से फॉर्मेट होता है, ठीक है ना,
और ये फॉर्म पॉलन ट्यूब से, फॉर्म पॉलन ट्यूब से। तो डेट इज जेनरेटिव सेल्स, डेट इज ट्यूब वेजिटेटिव सेल्स, फॉर्म पॉलन गैमेट, फॉर्म पॉलन ट्यूब। ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।